Watch it now. Welcome to Disney Plus Hotstar Presents Dance Plus Pro, co-presented by Paysap, co-powered by Garnier. चलो चल स्टैंड बाय चप्पा चप्पा चरखा चल अच्छा है बहुत अच्छा है इधर आ हाँ तो इधर आ एक चेक चल रोलिंग ऑल कैम्स ऑन स्टैंड बाय सैम आराम से बैठ वहां पे मूवमेंट अप कर रोल रोलिंग 3 2 1 एंड एक्शन स्टेज पे जो डांस प्लस प्रो में हुआ है आज वो इतना कमाल हुआ है कि ऑडियंस तो पागल हो ही रही थी मैं पागल हो रहा था कैप्टन्स पागल हो रहे थे ये सब छोड़ो हमारे जो पीछे की जो टीम होती है पीसीआर और क्रिएटिव सभी के सभी पागल हो रहे थे मतलब दे वर ऑल गोइंग मैड सर मैं बुला लूं यस टीम शक्ति से बुलाना चाहती हूं अकू को Aku, ready? Yes, ma'am. All the best. Boys. भूल गया अरे इसको कवर मत करो हट जाओ बॉयज बॉयज हट जाओ हवा दे दो बॉयज वो थोड़ा सा सर वो भूल गया ना तो थोड़ा सा अरे बाकी सब आ जाओ बाकी हटो ना बाकी सब क्यों आ गए ऊपर हां साइड में हो जाओ कोई नहीं उनपे तो म्यूजिक वीडियो बनना ही है भाई और लड़कियां तो फिदा होनी है
ट्रेंड क्रू द ट्रेंड और ये इन सबकी मिली भगत थी ए अको यस सर क्यों किया ऐसे तूने बेसिकली वी लव केपॉप एक केपॉप कॉन्टेस्ट रहता है इंटरनेशनल केपॉप कॉन्टेस्ट जिसमें हम लोग हर साल अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में जो ये डिजास्टर वाला जो एंट्री था वो हम लोग केपॉप से लेते हैं वेरी गुड ट्रेंड लेकिन ये केपॉप का आइडिया कहाँ से आया तुम्हें पहले हम सिर्फ डांस करते थे डांस कर कर के अपने फ्यूचर से डरते थे सपने देखने में भी थकान महसूस होती थी लोगों के सामने जाना भी एक चुनौती थी फिर हमारे जीवन में के पॉप आया उसने हमें डांस का एक अलग रंग दिखाया उदास डांस स्टेप्स को नई फीट मिल गई डांस के हार्ट को जैसे सही बीट मिल गई जब से हम लोग केपॉप से एक्सपोजर मिला तो हमारी जो स्टाइलिंग थी हमारे जो चार्म्स थे जो हमारे स्टेज करिश्मा था वो लेवल अप हो गया था बहुत ज्यादा केपॉप इज जस्ट इन म्यूजिक जानर इट्स इन पॉप कल्चर जिसपे कोरियन लोग हर एक जानर हर एक डांस फॉर्म से इंस्पिरेशन लेके अपना एक फ्लेवर बनाता है अरुणाचल में किसी ने नहीं किया ये चीज एक केपॉप बेस्ड वाला डांस ग्रुप क्रिएट करना केपॉप के डांस में शुरुआत में सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं केपॉप के स्टाइल के ऊपर हमने रेफरेंस लिए इंक्लूडिंग आवर आउटफिट जो कि हमेशा एक केपॉप इंस्पायर्ड थीम पे रहता है जब हम स्टेज पे खड़े रहते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये लोग कुछ उखाड़ने वाले हैं नाइस एक तो पहले क्या दिख रहे हो यार थैंक यू सर मतलब इंडिया के केपॉप हो यार आप लोग और जैसे कहते हैं कि केपॉप से इंस्पायर्ड है उन्होंने कोरियोग्राफी भी वैसे ही रखी थी कि एक कोई हाईलाइट हो रहा है फिर कोई एक आ रहा है इनका जो स्वैग इनका जो एटीट्यूड इनका जो वाइब है वही इनका प्रो है सो आई थिंक मैं तो देखना चाहूंगा यार आगे है ना यस सर 100% Congratulations. The Trend Crew. वो slick back किसने किया था? This guy. हाँ, उसमें वो सर वो pro move है सर. वो बहुत. वो पूरा world follow कर रहा है. एक बार कर देगा. Let's go. एक बार हो जाए. One, two, three, let's go. Hey. क्या बात है? Outstanding. इतना क्रेजी डांस किया इन लोग ने मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी थोड़ा सा कुछ इन लोग के साथ मजा आएगा सर चलो सुपर जल्दी से माइक रखो जल्दी करके दिखाओ उससे पहले सर ये लड़कियों से पूछ रहा हूँ जितना इनके लिए चिल्लाया उतना ही हमके लिए भी चिल्लाओगे कि नहीं हाँ हमके लिए चिल्लाएंगे हमके लिए चिल्लाएंगे तेरे प्यार में दिल चाहता है बस
सर इनके लिए तो बनता है सर सबके लिए। एक चीज बोलना है सर इनको, प्लीज टीम पुनीत में डाल दो बस। के पॉप था कोरिया में, ये आई पॉप होगा इंडिया पॉप। आई पॉप मतलब मैं ढूंढ कर लेकर आऊं और ये लोग ले लें। सो इट्स अ रिक्वेस्ट सर, आपके टीम में, मेरी टीम में, आप मेरे टीम में दे देना हक से। ये देखो अभी से लड़ाई शुरू हो गई तुम लोगों के लिए, चलो देखते हैं। ओके थैंक यू सर। धीमे 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 तेरे प्यार में, तेरे प्यार में धीमे 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 तो ऑडिशन में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, नॉर्मल आते हैं, ऐसे ही दो बंदे आए बड़े एकदम हंसते, मतलब उनकी शक्ल पे दिख नहीं रहा था कि ऑडिशन देने आया, टेंशन वाले। हम स्टार्स हैं, हम निकलते हैं बड़े बड़े कपड़े पहन के स्कूटी में, हमारी तरह कोई होता ही नहीं है पूरे शहर में। टशन ही अलग होता है हमारा, रौला होता है, घमंड होता है, सब कुछ होता है, हर कोई जानता है नाम से, पहचान से, शक्ल से। अगर हमारी स्कूटी ही निकल जाए रोड पे तो उसे भी लोग सलाम करते हैं। लोग पूछते थे कि आपका बेटा क्या करता है, कुछ नहीं, पढ़ाई में भी नालायक है और डांस में भी नालायक है। हमें नाज है इस बात पे, हम इस काबिल हैं कि हम बिना शर्माए अपनी बेइज्जती भी करवा सकते हैं। अभी तक हमें इनसे कोई विशेष उम्मीद नहीं है नालायकों से, हमारी बेइज्जती हमारी पहचान। बातें भी एकदम मतलब मुंहफट वाली बातें, जो मतलब भाई ये है हम लोग, ऐसे ही होता है। हमने मेरी मम्मी को बताया कि भाई एक और बंदा है, उसकी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो रखी है। बोला आएंगे ये लोग करेंगे और मैं बोलूंगा कि प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम एंड देन चले जाएंगे, बट या अल्लाह क्या हुआ, बख्श दो मुझे। All the best, sir. All the best. Chalo, let's see. Thank you, sir. आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बाय से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए तू गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तू गए हम तुम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी छा लबों से यूं चुराओगे। क्या बात है यार, क्या नाच है यार। अविरल एंड पर्व कैसे मिले, कैसे बनाए डो? हम लोग कॉम्पिटिशन्स करते थे सोलो के, जो हमारे लोकल साइड में होते थे। ओके देन हम लोग सोलो काफी मतलब हारते रहते थे, ऐसे हम लोग जीतते वीतते नहीं थे। सो
ऐसी रो धो रहते बैठ के कोने में कि यार एक बार दो बार 20 बार हार गए यार, मजाक चल लगे जिंदगी में। मजाक चल रहा है क्या? हाँ। देन उसके बाद ये भी रो रहे थे कोने में बैठ के कि यार मेरे संग भी वही हो रहा है। फिर ये आया मेरे पास उठ के कि ऐसा कर रहे हैं भाई संग में रोते हैं, ठीक है साथ में रोते हैं, संग में रोते हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर पे गए, हमने मेरी मम्मी को बताया कि भाई एक और बंदा है, उसकी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो रखी है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डुओ स्टार्ट करा। तो अभी तक रोए कि अभी तक रोए नहीं? डुओ बनने के बाद नहीं रोए सर, भगवान का आशीर्वाद है, आज तक जहां भी गए खाली हाथ नहीं आए। मस्त बोलता है। चलो यार, बोलता तो बहुत अच्छा है, इन दोनों से तो अच्छा ही बोलता है। खाली हाथ तो जाते नहीं हो, तो मत जाओ यहाँ से भी खाली हाथ, लेके जाओ फिर। एक बात जाते जाते पूछ लेता हूँ यार, अब मुझे बताओ ये दोनों कैसे लगे तुमको? कौन दोनों? ये रुको 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 भाई, यार बताइए क्या हम कैसा लग रहे हैं? अभी ऐसे डरा मत उनको, उसको सच बोलो तुम लोग। भाई साहब कहने तो दो सर। ए सुशांत बोलने दे उसको। कुछ नहीं किया, बोल। हाँ सर, नोच रहे हैं पीछे, नोच रहे हैं। नहीं तो बोल बिंदा, मैं हूँ यहाँ पे। सर आप अभी जैसे सामने से तो पहली बार ही मिले हैं, एंकरिंग अच्छी करते करते हो जाएगी? करते करते हो जाएगी, हो जाएगा। बाकी हम सब लोग साथ रहेंगे आपके, संभाल लेंगे, है ना? धीरे धीरे सिखा देंगे। सर ये कैसे बोल रहे हैं हमारे बारे में, आप कैसे सुन रहे हो सर? पर अगर 10 में से कितने मार्क्स दोगे? 10 में से मिला के 5 दोनों के मिला के 5। अरे सर चलो बाहर चलो, जाओ खत्म हो गए। यहाँ चलो बट यार कैप्टन, क्या हुआ? बख्श दो मुझे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। सर इतने प्यारे एंकर है ना, माइंड ब्लोइंग सर, मतलब ऐसी एंकरिंग हमने आज तक देखी ही नहीं। बहुत अच्छे हैं। अभी क्या 10 में से 10 हो गए? हाँ। चलो थैंक यू सो मच गाइस। सर ऐसे लग रहा है सुशांत तो फ्री का खाना खाने आया, पेट देखो जरा, बिफोर आफ्टर दिखाना डांस प्लस सीजन 2 में सुशांत कैसा था। आई एम प्राउड ऑफ दिस पेट। अरे वो पाउच क्यों लगाया अभी समझ में आ रहा है? सर कैमोफ्लेज, एक क्वेश्चन जा रहा है दिमाग में, बोल दे। पुनीत भाई जस्ट अ इनोसेंट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी 3 शब्द है जो शादी के पहले बोल सकते हैं और शादी के बाद नहीं बोल सकते? शादी के पहले हम बोल सकते हैं, शादी के बाद बोल ही नहीं सकते। रेमो सर आप अग्री करते हो? मेरी जैसी बीवी है ना, सबको देख। सच में? मैं अकेला दुखी क्यों रहूं? रेमो सर, रेमो सर, उसने सही बोला है, लेकिन शादी के बाद ये नहीं बोल सकते, शादी के बाद ये बोल सकते। आई एम रॉन्ग। ये क्वेश्चन सुन के मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा है सर,
जस्ट एन इनोसेंट क्वेश्चन. ओह माय गॉड. रेमो सर. हाँ सर. अगर एक बार मौका मिले आपको दिल खोल के प्यार से मैम को डांटना हो तो कैसे डांटोगे आप? मैं सबको तो नहीं बताऊंगा, तेरे कान में बोलूंगा. इधर ले. ऐसे सवाल पूछा ही कैसे तूने? देखो पता नहीं पीछे बैठी है वो. मतलब आपने मैम को कभी नहीं डांटा है? नहीं. अब मेरी हिम्मत नहीं नहीं. आप देख रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रेजेंट्स डांस प्लस प्रो, को प्रेजेंटेड बाय पेजैप, को पावर्ड बाय गार्नियर. शो आगे बढ़ाते हैं. से तो बुलाते हैं टीम पुनीत से. प्राउडली प्रेजेंटिंग ब्रदर्स बॉन्ड. जिम्मेदारी जैसे परिवार के प्रति होती है, आप सबकी भी होगी, हम चारों की भी है. एक जिम्मेदारी सपनों के प्रति भी होती है, उन्हें पूरा करने की. इन दोनों जिम्मेदारियों में से हमने आज दूसरी जिम्मेदारी चुनी है. हालात अच्छे बुरे आपके भी होते होंगे, हम चारों के भी हैं. इस बार हालात बदले ना बदले, हालत बदलने की सोची है. दस्तूर कहता है कमाओ, हमारी जिद कहती है अपने सपनों के पीछे जाओ. हम अपने डांस और अपने जिम्मेदारियों को एक ब्रिज की तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. मौका बड़ा है, दांव पर परिवार का भविष्य खड़ा है. शायद हमारी तकदीर को डांस प्लस प्रो की ट्रॉफी का नशा चढ़ा है. हमें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, हालातों को थोड़ी समझा सकते हैं, इंसानों को समझा सकते हैं. पर ऐसे हालातों से लड़ने के लिए यहाँ पर डांस हमारी मदद करता है. ऑल द बेस्ट बच्चे लोग. चलो लेट्स गो. सर फील क्रू को देखा था इसी मंच पर, तब मुझे ऐसा लगा था यार क्या क्रू है, इससे बेटर नहीं हो सकता. फिर अगले सीजन जन्म आए तो लगा कि यार ये अल्टीमेट है, इससे बेटर नहीं हो सकता. फिर ब्रदर्स बॉन्ड आए. लेकिन क्या आप अभी आ तो चुके हो, ये मेहनत आपको डेफिनेटली जारी रखनी पड़ेगी.
बट थोड़ा एक मेरे को आई फील सॉरी, आई मीन गलती होती है यार, मतलब आई एम सो सॉरी यार, मैं किसी और थॉट में था एंड मैंने ये कर दिया है. ट्रॉफी वापस ले लो यार इनसे. So what happened? Yeah. I'm so sorry, yeah, guys. ये डांस मैन्स की ट्रॉफी ना हमारे लिए बहुत मैटर करती है. बस जिंदगी में अगर कोई चीज कमी है ना तो वो ट्रॉफी की मेरे लिए. पहली बार हुआ यार, गलती हो गई. सो आई एम सेइंग सॉरी टू एवरीवन. मेरे को बाकी सब भी देखना है एंड देन. थैंक यू गाइस. थैंक यू मतलब सेलेक्ट नहीं हुए? नहीं, नेक्स्ट ट्राई करेंगे. So they were really good. They need a little more time. Next season, of course, मेरे को मालूम है कि ये वापस आएंगे. तो, yeah. Sorry sir, I might be stepping out of my line. Sir, पर reason क्या है sir? सर क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है सर, मुझे लगता है कि ये डिजर्व करते हैं सर. मतलब कनेक्शन की बात है, जैसे आप लोगों को कनेक्ट हुआ है, मुझे कनेक्ट नहीं हुआ. सो उस लेवल पे सर जेन्युइनली दिल से बोल रहा हूँ सर, आपने कभी मुझे ना नहीं बोला, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आई कनेक्ट विद देम सर. वो लोग कर सकते हैं सर. और मे बी लेट मी सी एवरीवन देन आई माइट कम टू यू. Thank you, sir. Thank you, boys. All the best. Hey. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को रिजल्ट देने के पहले मैंने एक प्रैंक किया जो मुझे खुद को थोड़ा बुरा लगा एंड में कि यार रुला दिया मैंने. हाँ सर ने खेल दिया. जब उनको ग्रीन ट्रॉफी डायरेक्ट फोलिप जब टॉप 12 में आ गए तो वो उनकी जो खुशी थी वो देख के ऐसा लगा कि ठीक है कभी कभी चलता है. एंड पीपी ऑलमोस्ट पूरा ऐसे हो गया था. बट आई मस्ट से हम प्रो की बात कर रहे हैं, तुम्हारे हर एक मूव्स, हर एक स्टेप्स, हर एक स्टाइल में हो या एक्सप्रेशन में हो, सबके सब प्रो थे.
यू गाइस वर आउटस्टैंडिंग, आप जाते हो सीधा टॉप 12 में। कांग्रेचुलेशन। ये मिल गया, अभी क्यों रो रहा है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या क्या लगता है यार, हाथ में ग्रीन? सर ख्वाहिश थी ये, और अभी जी रहा हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या नाइस। सर 6 साल से हम लोग डांस प्लस की तैयारी करते थे, मतलब आते थे दिल्ली राउंड से ही कट जाते थे हम लोग। सपने में सिर्फ सोचा था कि पर्पल मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचा गया सर डायरेक्ट ग्रीन भी मिल सकता है हम लोगों को। सर आज मैं कह रहा सर बहुत टाइम से ये साथ में है, और बहुत सारी चीजें इसने मेरे साथ देखी है, बहुत सारी। अब इसके घर में प्रॉब्लम, इसके क्या कर रहे, करना तो ही है ना, मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये सबके साथ होता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मेरे साथ ही होता है ये, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये सबके साथ होता है। बट एक चीज़ अच्छा लगता है कि कभी हार नहीं माने। अब डांस चूज किया तो इसको प्रूव कैसे कराएंगे, क्या बात? किसी से बोल के थोड़ी कि यार ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, करना तो यही है। तो वो जिंदगी जो बीत चुकी है, और ये अभी की जिंदगी है। अब इसके बाद जो भी होएगा या जो भी मिलेगा वो बहुत ईमानदारी से होएगा, और ईमानदारी की चीज मिलेगी। मम्मी भी देखेंगी खुश होंगी, बार बार कॉल कर रही थी कि क्या हुआ क्या क्या नहीं, खुश होंगे सब लोग होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम टू टॉप 12 डांस प्लस प्रो। या कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस गाइस। There was this one performance. My God, वो लड़की, मतलब मैंने ऐसे कोई performer कोई नहीं देखा। Oh my God. वो एक अंदर से घबराहट घबराहट जैसी फील होती है ना, वो हो गया था। Scary. बहुत डरावना था। वाट लग गई थी basically.